जो भी स्टूडेंट डिमोटिवेटेड बहुत जल्दी होते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, इसका मतलब उनका पैशन जो है, रियल पर्पस कमजोर है, वीक है। वो सही होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको लगातार पुश करेगा। मैंने कोई सेशन लिया, आपको मोटिवेट कर दिया, सर ने किसी और ने क्लास में मोटिवेट कर दिया, वो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है और बहुत ही कम समय तक काम करती है। असल मोटिवेशन कहां से आती है पता है? आपके अंदर से। और वो कहां से आती है पता है? एक्शन से, रेगुलरिटी से। अगर आप लगातार काम करोगे, मेहनत करोगे, अपने आप खुद से मोटिवेशन आएगा। ये मैंने बहुत जल्द कुछ समय पहले मैंने भी सीखा ये चीज। कभी कभी ह्यूमन बीइंग है, किसी ना किसी को एवरीडे, किसी ना किसी को थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन किसी को भी हो सकता है। आज के समय में कभी कभी मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, एनीबॉडी कैन डिमोटिवेट। सवाल ये आता है कि कितना जल्दी उससे रिकवर करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो एक बार डिमोटिवेटेड हो गए, अरे यार चलो अब नहीं पढ़ाई करता मैं, छोड़ो शाम को करूंगा, अभी थोड़ा सो जाता हूं, है ना। फिर उठते हो, फिर सोचते हो यार चलो थोड़ा घूम आता हूं, थोड़ा आसपास घूम आता, चाय पी लेता हूं, मैगी खा लेता हूं, चलो यार अब ये कर लेते। फिर अगले दिन सुबह उठते हो तो गिल्टी फीलिंग होती है कि यार मैंने तो सारा दिन वेस्ट कर दिया, अब उस कारण मूड खराब है क्योंकि क्लास से पहले रिवीजन करके नहीं आए हुए। ये होता है, डीमोटिवेशन बढ़ता जाएगा, एंड इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन लूप, हर चीज को आगे धकेलना। और सारी चीज जुड़ी हुई है भाई, क्लास नहीं करी तो क्या होगा, बैकलॉग हो जाएगा। मान लो क्लास कर भी ली, सामने देखते रहे, समझ में नहीं आया या कुछ भी इशू हो गया, मुझे दिखा दीजिए भाई। फिर उसके बाद घर पे काम नहीं होगा, सब जुड़ा हुआ है। यानी कीप इट वेरी सिंपल, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। क्लास में समझ में आना बहुत जरूरी है, और समझ में आने के लिए उससे पिछला बैकग्राउंड वर्क भी कई बार ठीक होना चाहिए, बेस ठीक होना चाहिए, राइट।